हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एमटीआर। आज आप देख रहे हैं न्यू हीरो ग्लैमर 125cc ऑल ब्लैक कैनवास एडिशन, नए कलर नए स्टिकर के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में जो रेड कलर के स्टिकर और जो ग्राफिक्स लगे हुए हैं, ये एक ऑप्शनल एसेसरीज का पार्ट है जो आपको 1300 रुपये देकर अलग से लगवाने पड़ते हैं। ग्लैमर एक्सटेक का रेड कलर 2022 का लेटेस्ट मॉडल अभी आप देख सकते हैं। अगर आप कोलकाता या आसपास से हैं और ग्लैमर का कोई भी वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आप हाईटेक हीरो वीआईपी रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक कलर का विंडशील मिलता है, हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैट फिनिश मिलती है। एच शेप में यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाती है और स्प्लिट LED हेडलाइट का यहाँ पर आपको सेटअप मिल जाता है। इसकी जो ओवरऑल हेडलाइट की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर आपको हीरो के एच को रिप्रेजेंट करती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो रेड कलर के यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाते हैं, हैलोजन इंडिकेटर दिए गए जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। इस बाइक का जो आगे वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको फुली ग्लॉसी फिनिश का मिलता है। सस्पेंशन के दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, आगे पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। 80/18 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील और 30mm डायमीटर के साथ टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। इसके फ्यूल टैंक की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर आपको ग्लैमर का 3D में लोगो मिल जाता है, नीचे में आपको रेड कलर के स्टिकर मिल जाते हैं, फुल ग्लॉसी फिनिश मिलती है। साइड में भी आपको रेड कलर के स्टिकर मिल जाते हैं और सीट काउल के नीचे भी आपको रेड कलर के स्टिकर मिल जाते हैं, यहाँ पर हीरो का स्टिकर मिल जाता है। i3S इसमें आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, यहाँ पर i3S का स्टिकर और प्रोग्राम्ड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। और फ्यूल टैंक के ऊपर में देखें तो यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतने के लिए एक स्टिकर को लगाया गया है। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, पुराने लुक के साथ यहाँ पर आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाती है, हेडलाइट और यहाँ पर आपको i3S की एक इंडिकेशन लाइट मिलती है, चेक इंजन की लाइट और टर्न सिग्नल इंडिकेशन की एक लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है जिसमें आपको इकोनॉमी जोन मिल जाता है हाईएस्ट माइलेज पाने के लिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक ओडोमीटर ट्रिमीटर मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है कि जब आप बाइक को चलाते हैं तो आपकी जो बाइक है वो रियल में कितना माइलेज दे रही है। इसके साथ ही साइड मिरर की बात करें तो काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश है, यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच, दूसरी साइड में आपको i3S का स्विच मिलता है जो फ्यूल एफिशिएंट करने में काफ़ी मदद करता है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है, अब मैं आपको इसके इंजन के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की सीट मिल जाती है, इसके अंदर की जो कुशन है जो फॉर्म है वो काफ़ी सॉफ्ट है, 798mm की सीट हाइट मिल जाती है। इसके इंजन की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है, हीरो की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको ऑयल फिलिंग का कैप और यहाँ पर आपको ऑयल फिल्टर, ब्रेक पैड मिल जाता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है, स्पार्क प्लग मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। और इसमें माइलेज की बात करें तो 60 से 65 का इसमें आपको माइलेज मिल जाता है, 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो 124.7cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया है, ये इंजन 10.7 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7500 RPM पर और ये इंजन 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है, इसका जो कर्व वेट है वो है 123 kg। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको मफलर गार्ड मिल जाता है जो कि फुली ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ है, रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलते हैं और 180/18 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, अलॉय व्हील के ऊपर आपको रेड कलर की स्टिकरिंग मिलती है ग्लैमर के साथ, 130mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। तो अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो इसके पीछे वाले पिलियन के लिए आपको कंफर्टेबल यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिश के साथ ग्रैब रेल मिलता है, हीरो का स्टिकर, फुल मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एच शेप में इसकी टेल लाइट मिलती है जो कि हीरो को रिप्रेजेंट करती है, हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल दिए गए हैं। इसके दूसरी साइड में देखें तो यहाँ भी आपको ग्लैमर का 3D में लोगो, रेड कलर के स्टिकर और i3S और हीरो का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का एक साडी गार्ड मिल जाता है, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं,
इसके साथ ही इसमें आपको प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। यहाँ पर आपको 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिलता है। साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिलता है। तो अभी हम इसके साइड स्टैंड के इंजन कट ऑफ के सेंसर को चेक कर लेते हैं। जैसा कि साइड स्टैंड यहाँ पर डाउन है और बाइक न्यूट्रल में है, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों अगर मैं क्लच को दबाकर इसमें गियर को डालता हूँ तो इसका जो इंजन है वो तुरंत कट ऑफ हो जाता है, जो कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है आज की डेट में। तो प्राइस की बात करें तो हीरो ग्लैमर 125 कैनवास एडिशन ड्रम ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 79,270 रुपीज़ और इसकी ऑन रोड प्राइस है 96,300 रुपीज़। और ग्लैमर कैनवास एडिशन डिस्क ब्रेक में इसकी एक्सोरूम कीमत है 83,706 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है डिस्क ब्रेक में 1,800 रुपये। अगर आप कोलकाता या आसपास से हैं और हीरो का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हाईटेक हीरो VIP रोड कोलकाता शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।